नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण की मेजबानी करने का फैसला किया है। बोर्ड ने लीग को 26 सितंबर के बजाय 19 सितंबर से ही शुरू करने का फैसला किया है। पहले रिपोर्ट आई थी कि टूर्नामेंट 26 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें 60 मैचों की मेजबानी 44 दिनों में की जाएगी। बीसीसीआई इस साल आईपीएल की मेजबानी करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि लीग को रद्द करने से बोर्ड और फ्रेंचाइजी दोनों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के T20 विश्व कप रद्द करने के बाद ही आईपीएल 2020 संभव हो पाया है। बोर्ड ने टूर्नामेंट को एक सप्ताह पहले करने का अंतिम रूप दिया है, क्योंकि विराट कोहली और कंपनी को दिसंबर जनवरी में एक दिवसीय टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। कोरोना महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार टीम को ऑस्ट्रेलिया में 14 दिनों की अवधि के लिए क्वारंटाइन होना होगा। साथ ही ब्रॉडकास्टर्स 44 दिनों की लीग से खुश नहीं थे, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप दोपहर के मैच अधिक होते, जो रेटिंग को प्रभावित करते थे। स्टार ने 5 सालों के लिए आईपीएल प्रसारण अधिकार को खरीदा है। 16,347 करोड़ यानी कि हर साल बीसीसीआई को 4,000 करोड़ का भुगतान किया जाता है। 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होने से टीम इंडिया के साथ साथ बीसीसीआई को भी बहुत राहत मिलेगी आने वाली सीरीज को लेकर। वैसे फिलहाल बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो आईपीएल 2020 का आयोजन करवा पा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।